Hello everyone, I am Amritanshu Roshan. I welcome you all free online learning. Today we'll discuss the second part of human comfort. तो पिछले सेशन में हमने ह्यूमन कंफर्ट के बारे में पढ़ा था. ह्यूमन कंफर्ट में थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हमने समझा था, ह्यूमन बॉडी किस तरह से हीट इंजन की तरह बिहेव करता है. फिर मेटाबॉलिज्म को समझा था हमने, वैसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म को समझा था, स्वेट ग्लैंड को समझा था, ये कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके 37 डिग्री रखता है. आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को प्रभावित करता है और कैसे ये ह्यूमन कंफर्ट में रहता है और ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए टेम्परेचर के ना. तो सबसे पहले हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे इवोपरेशन क्या है. ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है इवोपरेशन, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इवोपरेशन और बॉइलिंग क्या दोनों सेम है या अलग है, दोनों उन्हें सेम लगता है. तो यहां पे तीन टर्म आपको मिलेंगे, इवोपरेशन, बॉइलिंग या वेपराइजेशन. तो सबसे पहले दोनों को हम लोग पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इवोपरेशन, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन कंफर्ट में, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. और दूसरा हमारा है बॉइलिंग या जिसे हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं. अगर आप हिंदी जानने की कोशिश करते, इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण होता है और बॉइलिंग या वेपराइजेशन का मतलब हुआ पानी का उबलना या कोई भी उबलना, क्वथन जिसे हम लोग कहते हैं. ओके, तो इवोपरेशन जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे कंटेनर में अगर पानी रखा हुआ है और इसे हम हीट दे रहे हैं, तो इसका जो ऊपरी सतह है, समझिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, इसका जो ऊपरी सतह है, इस हीट देने के वजह से इसके ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये बहुत जल्दी ना ये क्या होता है, वेपराइज हो जाता है. लेकिन ये सिर्फ ऊपरी सतह, ये पूरा बॉडी नहीं होता है. दिस फेनोमेना इज नोन एज इवोपरेशन. समझने वाली बात है, इवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना. ये कैसा है, ये सरफेस फेनोमेना है. ये सरफेस के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के इसे इवोपरेट कर लेता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है. और दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर. जैसे ही हम उसको हीट देंगे, जैसे उसे थोड़ा सा भी हीट मिलेगा, तो यहां पे ये इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. इवोपरेशन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली होते रहता है. अब मैं इवोपरेशन के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जिसके तहत आप समझ सकते हैं. जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में आप अपने गीले कपड़े को सूखने के लिए देते हैं, तो वो उसमें तो पानी है ना, लेकिन वो कैसे गायब हो जाता है, कपड़ा हमारा कैसे सूख जाता है. वहां क्या, वहां पे बॉइलिंग हो रहा है वाटर का, नहीं, वहां पे इवोपरेशन हो रहा है. उसमें जो वाटर्स है वो सराउंडिंग से जैसे ही उसे हीट मिलता है वो धीरे धीरे वो सराउंडिंग में इवोपरेट हो जाता है और आप देखेंगे कि वहां पे कपड़ा आपका सूख जाएगा ना. कभी आप ऐसा गर्मी में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप अपने ऊपर गीला कपड़ा रख लेंगे ना, और अगर आप पंखे के नीचे आ जाएंगे तो जैसे ही वो जो कपड़े का जो वाटर है वो जैसे ही वो इवोपरेट होगा तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा ना. तो इवोपरेशन में सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इवोपरेशन जब भी होगा तो किसी सरफेस पे होगा, और सरफेस पे जब ये हो जाएगा तो वहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट हमेशा मिलेगा. इसे ही हम लोग बोलते हैं इवोपरेटिव कूलिंग ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना. तो वहां पे वाटर को इवोपरेट करके हम वहां कूलिंग इफेक्ट लेते हैं. जैसे पसीना आपका है, स्वेटिंग हो रहा है, ये वाटर है, ये सराउंडिंग में आपके बॉडी का लेटेंट हीट लेके ये इवोपरेट हो जाता है. तो जिसके वजह से आप देखते हुए कि जब इवोपरेशन हो जाता है स्वेटिंग आपको काफी होगी, उसके बाद आप अपने बॉडी को टच करेंगे, स्किन को टच करेंगे तो बहुत ठंडक महसूस ना. ये कहीं ना कहीं इवोपरेटिव प्रोसेस है, इसी का है ना. वहीं बॉइलिंग में अंतर है. बॉइलिंग जो है, इसी कंटेनर को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो ये जितने हैं, तो बॉइलिंग इज ए बल्क प्रोसेस. ये सारे मॉलिक्यूल को क्या करेगा,
सारे मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को होगा और एक पर्टिकुलर 100 डिग्री सी 1 एटीएम पे ये क्या होगा, ये हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसे ही हम लोग वेपराइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन इवोपरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये 20 डिग्री सी पे भी हो सकता है, 15 डिग्री सी पे भी हो सकता है, 35 डिग्री पे भी हो सकता है, अगर 1 एटीएम हमारा प्रेशर है। मैं जनरल बात बता रहा हूं, यही कारण है कि आपका कपड़ा सूख जाता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के मैकेनिज्म से बहुत रिलेटेड है, जहां पे आप ह्यूमन कंफर्ट को समझेंगे। आप देखते हुए गर्मी के दिनों में हम मटका में पानी रखना पसंद करते हैं, क्यों? ताकि पानी मेरा ठंडा रहे ना। तो वो मटका जो है बिल्कुल जैसे आपका बॉडी है उसी तरह वो मटका, जैसे ही हम उसमें पानी रखते हैं तो अगर गर्मी है तो वो पानी भी गर्म होगा इनिशियली, लेकिन मटका जो होता है उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोरस होता है हमारा, उस मिट्टी का बना होता है ना। तो वो पानी जो है अंदरूनी सतह से एक्सटर्नल सरफेस की ओर, जो है इंटरनल सरफेस से एक्सटर्नल सरफेस की ओर वो पानी जो है रिस के वो हमारे आउटर सरफेस पे, घारा के आउटर सरफेस पे आ जाता है। अब जो आसपास का वो एयर है और वहां जो पानी उस मटके के अंदर है वो अगर गर्म हो रहा है तो उसके हीट को एज ए लेटेंट हीट लेता है और वो स्लोली स्लोली इवोपरेट पूरे दिन होते रहेगा और मटके में छिद्र होने की वजह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस स्लोली होते रहेगा और वो उस मटके के सरफेस पे होते रहता है। तो आप अगर मटके को टच करेंगे तो आपको ठंडापन महसूस होगा, वही कारण है कि वो कंटिन्यूअसली वाटर का हीट लेके इवोपरेट स्लोली होते रहता है, तो मटके का पानी हमेशा ठंडा होता है। अब आप समझिए कि अगर हमारे सराउंडिंग में मॉइस्चर काफी पर्याप्त है, सैचुरेटेड एयर है, मैं आपको बता चुका हूं सैचुरेटेड एयर क्या है, तो क्या उस मटके के ऊपर जो नमी है क्या उसे एटमॉस्फेरिक एयर या जो मॉइस्ट एयर है जो हमारा एयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं ना। तो यही हमारा सिचुएशन होता है जब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो वहां पे फिर जो है उसका इवोपरेशन बहुत स्लो हो जाएगा। तो समझना है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर में ह्यूमिडिटी कितना है इस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा वहां पे ड्राई क्लाइमेट है ना, ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में बहुत कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसमें अभी बहुत ज्यादा वाटर वेपर को अभी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी ह्यूमिड क्लाइमेट है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी 80% है, तो अब तो 20% ही लेगा, तो थोड़ा सा तो रेट ऑफ जो इवोपरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आप समझिए कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है ना। अगर ह्यूमिड है तो रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होगा तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, वहां पे हॉटनेस बना रहेगा। अगर वहां पे ड्राई वेदर है, ड्राई क्लाइमेट है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा, तो वहां पे जो वाटर जो है वो इवोपरेट होकर सराउंडिंग में जाएगा तो उस लेटेंट हीट लेके जाएगा, तो वहां टेम्परेचर रहेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक सरफेस फेनोमेना है। सिमिलर फेनोमेना होता है आपके साथ माय डियर स्टूडेंट, आपके बॉडी में भी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं और आपके अंदर भी पानी भरा हुआ है ना। तो आपके अंदर जो हीट है ना, आप कब कंफर्टेबल फील करेंगे, कब आपको कूलिंग इफेक्ट समर में महसूस होगा? तो अगर आपके स्किन से जो स्वेट्स निकलते हैं वो अगर सराउंडिंग में इवोपरेट हो जाए, वो सराउंडिंग में चले जाए, तो फिर आपका इवोपरेशन आपके स्किन से होगा, शरीर से होगा, तो वहां पे इवोपरेटिव हीट लॉस बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपके आपका टेम्परेचर कम होगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपका स्वेट्स कैसे सूखेगा ये डिपेंड करता है आपके चारों तरफ जो एयर है वो, अगर ऑलरेडी ह्यूमिड है या सेचुरेटेड एयर है तो आपके शरीर के पसीने को वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो अब आप महसूस कर सकते हैं कि जो चिपचिपा मौसम होता है वो यही है ना, चिपचिपा, आपको पसीना बहुत रहेगा लेकिन सूखेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हो, अब वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो आपका स्वेट नहीं सूखेगा। अच्छा, स्वेट में होता क्या है, बेसिकली स्वेट में 99% आपका वाटर होता है, उसके बाद हमारे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आयन है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे आयन्स उसमें होते हैं। तो आप देखते होंगे कि जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमिड क्लाइमेट कहां होता है इंडिया में ना,
तो हम लोग इवोपरेशन को समझ चुके हैं। तो क्लाइमेट जो है जो इंडिया में दो तरह का होता है, एक ह्यूमिड क्लाइमेट एक ड्राई क्लाइमेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में ह्यूमिड क्लाइमेट कहां होता है ना, और उससे फिर हम लोग रेट ऑफ इवोपरेशन की समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो सी है इधर भी है इधर भी है, तो दीज ऑल आर द कोस्टल एरियाज। इधर तमिलनाडु हो गया, चेन्नई, इधर हमारा उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आप देख सकते हैं ना? ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, इधर हमारा केरला हो गया, इधर हमारा गुजरात हो गया ना, यहीं पे कहीं हमारा गोवा मुंबई ना? तो ये सब जो हमारा स्टेट है, ये सारे जो है ये सब हमारे कैसे हैं, कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरिया में क्या है कि यहाँ वाटर का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, समुद्र बहुत ज्यादा है, यहाँ सेलिनिटी बहुत ज्यादा है, नमकीन पानी है। तो जैसे ही हमारा धूप उगेगा तो ये यहां से तो वाटर इवोपरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा अवेलेबल है, इवोपरेशन काफी ज्यादा होगा। तो इस कोस्टल एरिया में कि बगल में जो भी शहर बसा हुआ, जैसे कि कोलकाता हो गया आपका, चेन्नई हो गया, वाइजैग हो गया, ये सब जगह ऑलरेडी एटमोस्फेयर में वाटर वेपर काफी ज्यादा है। तो वाटर वेपर ज्यादा, इसका मतलब यहां कैसा वेदर होगा आप बता सकते हैं? दिस विल बी योर ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर में है कि अगर आपका आरएच जो है 60% से ज्यादा है, अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा अगर है, 60-100% तक है, तो उसे हम लोग ह्यूमिड वेदर कहते हैं। और अगर मेरा आरएच जो है वो 50% से कम है तो इसको हम लोग ड्राई वेदर बोलते हैं या ड्राई क्लाइमेट बोलेंगे हा? अच्छा, और ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या है, जब आरएच 50-60% हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे ना। तो यहां पे दो जनरली हमारे पास क्लाइमेट रहता है, एक जो है हमारा ड्राई क्लाइमेट होगा ना। तो ड्राई क्लाइमेट कहां होगा, इनलैंड एरिया में, ऐसे जगह पे जहां पे चारों तरफ जमीने वाटर रिसोर्स कम है, जैसे बिहार हुआ, लैंडलॉक स्टेट है, यूपी है ना, दिल्ली है, ये सब चारों तरफ जमीन से ज्यादा घिरा हुआ, यहाँ पे समंदर नहीं है ना, सी से हम लोग काफी दूर हैं। तो यहाँ जो हमेशा जो वेदर होगा वो ड्राई वेदर होगा। यहाँ पे आप देखोगे जहां भी ड्राई वेदर होगा वहां एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होगा। तो ड्राई वेदर जहां भी होगा वहां रेट ऑफ इवोपरेशन हमेशा बहुत ज्यादा होगा ना, और रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा तो आप वहां पे काफी अच्छा फील करेंगे कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया कैसा होता है, काफी ह्यूमिड होता है। जैसे कि आप चेन्नई चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, वहां ह्यूमिडिटी हमेशा 65-70% इस तरह से ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा मिलेगा। तो वहां पे अगर आपको पसीना चलेगा तो वो स्किन से इवोपरेशन होगा ही नहीं, इवोपरेशन हुआ नहीं दैट मीन्स आपके शरीर का लेटेंट हीट लिया नहीं, तो पसीना आपको चिपचिपा मौसम रहेगा, आपके कपड़े सारे गीले हो जाएंगे। आप कपड़े को रात में रख दो तो रात में टेम्परेचर कम होता है इसलिए वो तो मॉइस्चर है इवोपरेट होगा, लेकिन ये जो सलिनिटी है इसमें जो खारापन है, नमकीन जो ये रहता है वाटर वेपर, आप देखोगे कि आपके शर्ट पे व्हाइट व्हाइट दाग लग जाएगा ना। वो दाग क्या होता है, कभी कभी यहां भी होता है, हम लोग भी फील करते हैं, इनलैंड एरियाज में भी हो सकता है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। तो इनलैंड एरिया में ह्यूमिडिटी आपका एक ही समय बढ़ सकता है जब रेनी सीजन आ जाए, जब बरसात का समय होगा तो यहां भी हमारा ह्यूमिड होगा। और कोस्टल एरिया तो हमेशा ह्यूमिड ही इन्वायरमेंट रहता है इसलिए हमेशा यहाँ चिपचिपा मौसम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है और आरएच 70% है तो ये आपके लिए काफी अनबेरेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको रहना बहुत मुश्किल होगा ना। यहाँ पे अगर आप एयर कंडीशन लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा उसको डिह्यूमिडिफाई भी करना होगा, टेम्परेचर को भी कम करना होगा। लेकिन कहीं इससे बेटर हमारा होता है ड्राई वेदर जो कि है, हाँ ड्राई वेदर में एक चीज होगा, टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा राइज करेगा, 42-44 इस डिग्री तक जाएगा, जैसे पटना का, दिल्ली का ना, लखनऊ का, ये सब का टेम्परेचर राइज काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ हमेशा आरएच जो है 35-40-45 इसी अराउंड रहता है ना। तो
आप ज्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं आपको ज्यादा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ड्राई क्लाइमेट कहीं बेहतर होता है ह्यूमिड से। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 37 डिग्री सी हमारा लेट सपोज कोस्टल एरिया, आप समझ गए होंगे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, और ये हमारा मुंबई है, ठीक है, ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया, ये इनलैंड एरिया हो गया। तो यहां आप देखेंगे हमेशा कैसा वेदर रहेगा, ड्राई वेदर। ड्राई वेदर का मतलब हो गया यहां आरएच जो है हमेशा लेस देन 50% होगा, ठीक है। यहां कैसा वेदर होगा, ह्यूमिड वेदर होगा, ठीक है, यहां आरएच जो है हमेशा मोर देन 60% होगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए, अब मैं दोनों जगह टेम्परेचर लेट सपोज 38 डिग्री सी ले रहा हूं, यहां भी 38 डिग्री सी, ठीक है। तो आपको जैसे कि हमारा पटना भी हो गया, हम लोग इसको ले सकते हैं ना, तो यहां आप देखेंगे यहां पे 38 डिग्री सी आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है, 38 है, तो बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर का डिफरेंस नहीं है, तो यहां पे आप जो है अच्छा फील करेंगे, ठीक है, रिलेटिवली, मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं। लेकिन यही 38 डिग्री सी अगर ह्यूमिडिटी के साथ है, लेट सपोज मान लेते हैं 80% ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो वहां पे तो ये काफी अनबेरेबल होगा। चेन्नई में, मुंबई में, ऐसे जगह पे पसीने आपको चलते रहेंगे, वो सूखेगा नहीं, आपको काफी चिपचिपा मौसम लगेगा ना, और काफी आप ज्यादा वहां पे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा अनबेरेबल हो जाता है, फिर आपको कपड़े पे वो दाग, व्हाइटिश व्हाइटिश दाग भी आपको लग जाएंगे ना। ये कहीं ना कहीं मैं एक एग्जांपल लेके कंपेयर कर रहा था ह्यूमिड इन्वायरमेंट और ड्राई इन्वायरमेंट का। एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सीजनल क्लाइमेट है, कभी समर, विंटर, और यहाँ जो मॉनसून आता है वो 3-4 महीनों के लिए आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून है जो केरला में सबसे पहले जून मंथ में आता है, तो यहाँ रेनी सीजन जो है वो 3 महीने के अराउंड रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्ट, ये इस बीच जो है यहाँ पे बारिश होती है। हाँ, जब बारिश होगी तो ये तो ऑलरेडी क्लाइमेट है यहाँ पे, लेकिन अब जो ये ड्राई एरिया है यहां भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। अब ये जो ह्यूमिडिटी है ये हमारा रेनी सीजन में खास करके ना, रेनी सीजन में ये आरएच बढ़ता है ना, आरएच विल बी मोर देन 50%। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेनी सीजन में नहीं होगा, 30 डिग्री, 32 डिग्री ना, लेकिन आप देखेंगे कि 30-32 डिग्री में भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पे आपको असहनीय गर्मी का एहसास होगा, लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, इरिटेट आप हो जाएंगे, हेडेक आपको बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। मैंने आपको कई बार कहा है टेम्परेचर थोड़ा बहुत आप सस्टेन कर सकते, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो आपके लिए माय डियर स्टूडेंट बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो यहां पे अगर एयर कंडीशनिंग हमको करना है, अगर हम आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी को कम करना होगा, टेम्परेचर थोड़ा बहुत हम कम कर लेंगे ना। तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए आपको याद रखना है 22 से 24 डिग्री सी आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेंटेन करिए, ये एक रेंज है ना। अच्छा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको बुक, अलग अलग बुक में मिलेगा, बट ये स्टैंडर्ड रेंज है। और आरएच जो है अगर एग्जैक्ट पूछे तो सबसे फर्स्ट चॉइस जो है आप 60% देंगे ना, कि हमारा 60% आरएच होना चाहिए। किसके लिए? ये दोनों कॉम्बिनेशन है फॉर ह्यूमन कंफर्ट। या अगर रेंज पूछे तो 50 to 60 आप दे सकते हैं। ड्राई वेदर में तो हम 30 to 50 में भी, परसेंट में भी आरएच में बहुत अच्छा फील करते हैं। चलिए, ये तो समर की बात हुई, जरा विंटर में आप आएंगे तो विंटर में तो आप देखेंगे कि दिन में ऐसे ही वेदर ड्राई रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहता है। इतना ह्यूमिडिटी कम हो जाता है कि आपके शरीर से जो मॉइस्चर है उसको भी अब्सॉर्ब कर लेता है। आप देखते हो आपका चेहरा, आपके होंठ काफी ड्राई हो जाते होंगे, तो आप एड देखते होंगे कोल्ड क्रीम का, मॉइस्चराइजर का। ये क्या है, ठंड के दिनों में ही हम इसे क्यों लगाते? क्योंकि उस समय हमारा स्किन काफी ड्राई हो चुका होता है, तो ये कोल्ड क्रीम मॉइस्चराइजर लगाने से आपके सेल्स में वो मॉइस्चर मिलता है, तो फिर आप जो आपका चेहरा जो है खिल उठता है ना। तो आपको समझना होगा कि अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो भी आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाए, जैसे कि विंटर में होता है ना।
और विंटर में टेम्परेचर कम है तो कम टेम्परेचर में हम ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम है, अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो फिर आपके स्किन ड्राई होने लग जाएंगे, तो फिर आपको मॉइस्चराइजर और कोल्ड क्रीम लगाना पड़ेगा ना। और यहां पे एक और फेनोमेना होती है, जब जैसे जैसे रात होगा, जैसे जैसे रात होगा तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, तो जितना उस दिन में हमारा मॉइस्चर था, रात में टेम्परेचर कम होने के वजह से वो उसके सेचुरेशन से काफी ऊपर रहता है और वो उस मॉइस्चर को सस्टेन नहीं कर पाता है, वही कंडेंस होके ड्यू बन के रात में ओस के रूप में आप गिरता है। तो आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में आपको ओस ज्यादा सुबह महसूस होता होगा ना। यही चीज हमारा कोस्टल एरियाज में भी होता है, कोस्टल एरिया ऑलरेडी ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो दिन में अगर 38 डिग्री है, 80% हमारा वहां क्लाइमेट है, तो रात में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उसको वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी उसका कम हो जाता है, तो वो फिर रात में जितना अमाउंट है वाटर वेपर का दिन में वो उसके लिए एक्सेस हो जाएगा, तो होगा क्या कि फिर रात में वो फिर ओस बन के गिरेगा। तो अब कोस्टल एरियाज में किसी भी समर में भी आप अगर मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको जो है ग्रास काफी वेट मिलेगा, काफी ज्यादा लगेगा कि बारिश रात हुई है, इस तरह से आपको फील होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको समझना होगा ना कि ह्यूमिडिटी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा भी था कि अच्छे लोग जो है, एजुकेटेड लोग हैं, वो ह्यूमिडिटी में बात करते हैं ना कि टेम्परेचर में ना। तो मेरा मानना है कि मेरे जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, अब आप एयर कंडीशनिंग को समझ चुके हैं, ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट को समझ चुके हैं ना, किस कंडीशन में आपको रहता है ना। आप दिल्ली में है, पटना में है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा, आरएच का मान कम रहता है, तो यहाँ पे सस्टेन करना ज्यादा। हाँ, जहां पे ड्राई वेदर होगा वहां पे एक प्रॉब्लम होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए ना, मान लीजिए 42 से 45 चला जाए, तो यहां पे एक समस्या आती है ड्राई वेदर में, दैट इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक, जिसे हम लोग लू बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। तो ड्राई वेदर में ही हमारा जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा ना, और टेम्परेचर राइज करने का जिसका कॉन्सिक्वेंसेज है कि हीट स्ट्रोक, जो हम लोग कहते हैं ना लू चल रही है बाहर मत जाओ, नहीं तो उधर जो है आप इसको समझिए कि लू क्या है, गर्म हवा जो है, इतना ज्यादा हवा गर्म हो चुकी है कि आपका बॉडी जो है उसका जो वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म है वो फेल हो चुका है, हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर चुका है, तो आपको स्ट्रोक लगेगा, आप मर भी सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है ना। रेनी सीजन में हमारा यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो फिर आपके लिए काफी दिक्कत होगा। कोस्टल एरियाज में हर हमेशा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है ना, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण से वहां पे हमेशा वेदर जो है कभी अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एरिया ऐसे हैं जो समुद्र से दूर हैं, खास करके क्लाइमेट में, जैसे कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ये सब हमारा काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, तो हाई एल्टीट्यूड पे वेदर जो है ऑलरेडी एयर का टेम्परेचर काफी कम रहता है, और चूंकि समुद्र से दूर है तो वहां ह्यूमिडिटी भी क्या होगा कम होगा, तो ड्राई वेदर रहता है, इसलिए आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में छुट्टियों में लोग वहां जाना पसंद करते हैं घूमने के लिए ना। समर में भी हम लोग वहां नॉर्थ इंडिया जाना पसंद करते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये एक एक फैक्टर है। आप बेंगलोर का वेदर देख सकते हैं, लोनावाला का वेदर देख सकते हैं, तो ये सब जो है समुद्र से दूर है और ऊंचाई है, और ग्रीनरी पे भी डिपेंड करता है कि वहां आसपास वेजिटेशन कैसा है, क्योंकि पौधे भी इवेपोरेशन करते हैं, और आप देखते होंगे अगर किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, जैसे पीपल या बरगद का पेड़ है, तो दोपहर में उसके स्टोमाटा से भी हमारा इवेपोरेशन होते रहता है, और जिस वजह से वहां का जो हवा है ना, स्टोमाटा से जो वाटर है पौधे के, उससे वो मॉइस्चर खींचते रहता है, तो आप देखते होंगे कि उतने सारे पत्ती हैं, उतने सारे सबके स्टोमाटा से जो है वो इवोपरेशन कंटिन्यूअसली होते रहता है, तो आप जब पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे दिन में खास करके, तो गर्मी के दिनों में आप फील करेंगे कि वहां की हवा जो है वो ठंड है, क्योंकि जो इवोपरेशन हो रहा है तो एयर का ही हीट लेके सराउंडिंग मीडियम में जा रहा है, तो वहां पे जो है थोड़ा सा तापमान हवा का कम हो जाता है, तो आपको वहां पे ठंडापन फील होगा। तो रेट ऑफ इवोपरेशन कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन कंफर्ट से जुड़ा हुआ है,
रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट होगा जब आपका क्लाइमेट ड्राई रहेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होगा जब आपका क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा। ह्यूमिड क्लाइमेट में आपका इवोपरेशन नहीं होगा तो आपको स्वेटिंग होगा, सूखेगा नहीं पसीना ना, प्रिस्पिरेशन आपका बहुत स्लो होगा। ड्राई वेदर में आप देखेंगे कि वहां पे स्वेटिंग भी होगा और बहुत जल्दी सूखेगा भी, और आप काफी अच्छे कंफर्टेबल कंडीशन में रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमिड कंफर्ट कंडीशन क्या है, 22 से 24 डिग्री जनरल रेंज है, आरएच 60% अगर आपको एक वर्ड पूछा जाए, और रेंज पूछा जाए तो 50-60% याद रखिएगा। 60 से ज्यादा है तो ह्यूमिड हो जाएगा, 50 से कम है तो हमारा ड्राई हो जाएगा। आई होप आपको ड्राई क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट समझ में आया होगा, आपको इवोपरेशन समझ में आया होगा, और ये सब कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमिड कंफर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक हमारा टर्म आता है इफेक्टिव टेम्परेचर, लास्ट टर्म है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिव टेम्परेचर हमारा क्या है, तो इफेक्टिव टेम्परेचर है जिसे हम फील्ड टेम्परेचर बोलते हैं ना, चूंकि ह्यूमिड कंफर्ट जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, इसके बाद आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर एयर वेलोसिटी जिसे विंड वेलोसिटी कहते हैं, इसे रिकमेंड किया गया है 5-8 मीटर पर मिनट, ठीक है, आरएच रिकमेंड किया गया है 50-60%, ठीक है, ये 22-24 डिग्री। बट अगर ये सब डिफरेंट है तो ये सब का कंबाइंड इफेक्ट जो टेम्परेचर आप फील करते हैं उसे ही हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब तीनों फैक्टर को कंबाइन करके हमें ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम क्या टेम्परेचर बोलेंगे, इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर जनरली जो है हम एक्सप्रेस करते हैं कंफर्ट चार्ट में, आप एयर कंडीशनिंग में पढ़ेंगे ना, जो हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये सोसाइटी है, इन्होंने ये कंफर्ट चार्ट बनाया है। कंफर्ट चार्ट में क्या है, अलग अलग सिचुएशंस के लिए टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी और आरएच का वैल्यू दिया हुआ। जब आप ऑफिस पे काम करेंगे तो क्या होगा, समर में क्या होना चाहिए हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर, विंटर में क्या होना चाहिए, ये सारा डिटेल डाटा जो है आपको कंफर्ट चार्ट में मिलेगा, कंफर्ट चार्ट में जो कि इफेक्टिव टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तो अब आपको मैंने एयर कंडीशनिंग में बहुत सारी चीजें बताई है, आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एयर कंडीशनिंग में हर एक एस्पेक्ट को क्लियरली समझा सकूं ना। ओके, तो अब हम लोग इस सेशन को स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।